दोस्तों अगर मैं आपको 5 लाख रुपए दूं, पर शर्त यह है कि आपको इसके लिए 11 रात और दिन जगे रहना है, मतलब 11 दिनों तक आप 1 मिनट भी नहीं सो सकते, आप ये कर पाएंगे? दोस्तों ये जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने ऐसा करने की कोशिश भी की तो आपका दिमाग बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करने लगेगा। दोस्तों ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की अमेरिका के रहने वाले रैंडी गार्डनर ने, एक स्कूल का लड़का जिसने अपने साइंस प्रोजेक्ट को इतना सीरियसली लिया कि वो इस दुनिया का एकमात्र ऐसा लड़का बन गया जो 11 दिनों तक मतलब 264 घंटे सोया नहीं था। इसके बदले उसे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला, और पहले ये रिकॉर्ड होनोलुलु के डीजे के नाम था जो कि 260 घंटों तक नहीं सोए थे। दोस्तों आज हम जानते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। बचपन से ही रैंडी गार्डनर को साइंस से बहुत लगाव था, वो हर साइंस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेते, और अब उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला था इंसानी शरीर की सीमाओं को जांचना, जिसमें वो देखने वाले थे इंसान ज्यादा से ज्यादा कब तक बिना सोए रह सकता है। इस काम में गार्डनर के साथ जुड़े उनके दो दोस्त जिनका नाम था ब्रूस और जॉय, इनका काम बस यही था कि कुछ भी हो जाए उन्हें रैंडी को सोने नहीं देना था। इन तीनों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से रैंडी गार्डनर रातों रात फेमस तो हो गए, लेकिन ये इतना खतरनाक था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ऐसे रिकॉर्ड बनाने पर ही पाबंदी लगा दी। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई सन 1963 में। एक दिन रैंडी पूरी रात सोकर 6 बजे उठे। पहला दिन तो उनका आसानी से बीत गया और दूसरा दिन भी दोस्तों के साथ बातों में चला गया, लेकिन तीसरे दिन परेशानियां शुरू हुई क्योंकि अब रैंडी की हालत खराब होना शुरू हुई, उन्हें उल्टी जैसा महसूस हुआ। उसके बाद उनका थोड़ी थोड़ी देर में ही मूड बदलने लगा और वो खुद को कंफ्यूज महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने दोस्तों पर ही बिना बात के चिल्लाना शुरू कर दिया। चौथे दिन वो अपने आप को ही भूल गए कि उनका नाम क्या है, वो कौन है, कहाँ रहते हैं, अब ऐसा क्यों हो रहा था। इसकी वजह थी जब हम रात को सोते हैं तब हमारे ब्रेन में क्लिनिक सिस्टम काम करता है जो पूरे दिन में कचरा दिमाग में जमा हुआ होता है उसे साफ करता है, मतलब साफ था। जब हम नहीं सोएंगे तो दिमाग रिस्टार्ट नहीं होगा और वो अजीब अजीब हरकतें करेगा। अब 5वां दिन उन्हें अजीब अजीब चीजें दिखाई देना शुरू हो गई, जैसे उन्हें महसूस हो रहा था जैसे उनके जूतों में मकड़ी घुस गई हो, जिस वजह से उन्होंने बैठे बैठे ही जूते निकाल कर फेंक दिए। उन्हें लगने लगा कि वो एक मशहूर फुटबॉलर हैं। जब ये बात एक साइंटिस्ट विलियम डिमेंट को पता चली, वो भी नींद पर ही रिसर्च कर रहे थे, और वो रैंडी की मदद करने के लिए आ गए, और दोस्तों रैंडी ने उनकी मदद लेने के लिए हाँ बोल दिया। फिर 6ठा दिन शुरू होते ही चीजें और ज्यादा खराब हो गई और रैंडी को लग रहा था कि उसके कमरे का दरवाजा सीधे जंगल में खुलता है। सब लोग सोच रहे थे वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने ना तो कोई कॉफी, चाय, माउथ फ्रेशनर कुछ भी नहीं खाया था, फिर भी वो 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोया था। अब लास्ट के 3 दिन उन्होंने बास्केटबॉल खेलते निकाल दिए और वो फिर भी फिट थे, और 11 दिन 25 मिनट का नया रिकॉर्ड बनाया, और वो इस बात की खुशी मनाए इससे पहले ही एक मेडिकल टीम आई और उन्हें हॉस्पिटल ले गई। वहाँ भी वो बिल्कुल फिट थे। हॉस्पिटल से आने के बाद वो 14 घंटे लगातार सोए और सुबह उठकर स्कूल चले गए, लेकिन असली प्रॉब्लम 10 साल बाद शुरू हुई और वो इंसोनिया नाम की बीमारी का शिकार हो गए, जिसमें रैंडी रात को 3 बजे से पहले नहीं सो सकते, और इसके बाद से रैंडी 5 घंटे से ज़्यादा नहीं सो सके। इसलिए कहा जाता है किसी भी वजह से आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें। और दोस्तों कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि ये रिकॉर्ड आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।